नाथ को बच्चे बहुत प्यारे हैं। बच्चों के बीच सीएम खुद बच्चे बन जाते हैं। आज भी कन्या सुमंगला योजना के उद्घाटन के मौके पर सीएम ने बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया। रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ, जिनसे गुंडे अपराधी थर थर कांपने लगते हैं, जिनके तेवर के सामने लापरवाह अधिकारियों का पसीना छूट जाता है, जिनका नाम सुनते ही विरोधियों की आधी शक्ति छीण हो जाती है, जिनके मंच पर आते ही जनता योगी योगी करने लगती है, जिन्हें देखकर हिंदुत्व भी गर्व करता है, जिन्हें अपने पास पाकर गाय मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, ऐसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि योगी के तेवर सख्त हैं, योगी गुस्से में ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई है जिसे देखकर योगी खुश हो जाते हैं, कोई है जिसे देखकर योगी खिलखिला उठते हैं। वो कोई और नहीं, वो है बच्चे। जी हाँ, अपने पास बच्चों को पाकर योगी फूले नहीं समाते, बच्चों के पास आकर योगी भी बचपन में खो जाते हैं। उस वक्त योगी सारी चिंताएं, सारी फिक्र सब भूल जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं। लखनऊ में कन्या सुमंगला योजना के उद्घाटन के मौके पर भी सीएम ने बच्चों को गोद में लिया, दुलार दिया, पुचकारने लगे। देखकर ऐसे लगा कि जैसे सीएम इन बच्चों से पहले भी कई बार मिल चुके हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी सीएम योगी कई बार बच्चों के साथ नजर आ चुके हैं। नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी खुद कन्याओं के पांव पखारते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भी बाल स्वरूप कान्हा को योगी ने गोद में खिलाया था। यानी योगी बच्चों के सामने खुद बच्चे बन जाते हैं, उन्हें दुलारते हैं। उस वक्त वो सीएम नहीं रहते, बल्कि बच्चों के प्यारे योगी होते हैं, जो उन्हें खूब चाहते हैं। इसीलिए प्रदेश के लोग कहते हैं कि सीएम हो तो ऐसा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस बीच लखनऊ